नामांकन भरने का सिलसिला जारी। जनपद क्षेत्र 8 में निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन रैली में दिखाई ताकत। वाहनों के काफिले के साथ पहुंचे नामांकन भरने। मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत, जनपद और जिला पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चली है। जहां ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है, तो वहीं इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में पंचायत, जनपद के प्रत्याशियों के नामांकन भरने का सिलसिला जारी है। जहां सांवेर क्षेत्र के जनपद पंचायत क्रमांक 8 के अंतर्गत 4 पंचायतों के 5 गांव के लिए पुआवडला दाई के रहने वाले प्रत्याशी जितेंद्र सिंह गोयल उर्फ नागू सिंह पिता सज्जन सिंह शनिवार को अपने समर्थकों के काफिले के साथ नामांकन पत्र जमा करवाने सांवेर तहसील कार्यालय पहुँचे। जनपद पंचायत के प्रत्याशी जितेंद्र कोयल ने बताया कि ग्रामीणों के अपार जन समर्थन के बाद उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया, जहां बरलाई जागीर, पुआवडला दाई, मछुखेड़ी, पुआवडला हप्पा के मतदाता उन्हें भारी बहुमत से जिताएंगे। और मुझे सारे अपने गांव वालों ने मिलके जो आज खड़ा किया है, मैं उनकी इस उम्मीद पे पूरा खरा उतरूंगा और जो भी उनकी समस्याएं होगी उसको पूर्ण रूप से वो करूंगा। कौन से पद के लिए आप नामांकन भरने जा रहे हैं और कौन कौन से गांव से आप प्रत्याशी हैं? जी सर, मैं गांव पुआवडला दाई का निवासी हूं। मेरी 4 पंचायत 5 गांव मेरे इसमें आ रही है जनपद में, तो मैं जनपद सदस्य का फॉर्म भरने जा रहा हूं सर। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम जितेंद्र सिंह गोयल। वही क्षेत्र के पूर्व जनपद सदस्य और भाजपा नेता मुकेश पटेल की माने तो इस जनपद क्षेत्र में कोई बड़ी समस्या तो नहीं है, हालांकि सड़क नाली जैसी तकलीफ है कुछ ग्रामीण इलाकों में है। इस चुनाव के बाद जिनका हल हो जाएगा। मुकेश पटेल ने कहा कि उन्होंने गोयल को समर्थन दिया है और भारी बहुमत से उनका प्रत्याशी जीतेगा और गाँव में विकास कार्य करवाएगा। नामांकन भरने के दौरान जितेंद्र गोयल के साथ मुकेश पटेल, संजय परमार, मनोज पटेल, सुजार सिंह, टिंकूलाल, मंगल सिंह, केदार पटेल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे, जहां वाहनों के काफिले का जगह जगह भव्य आतिशबाजी और ढोल धमाकों के साथ स्वागत किया गया और जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दी गयी। वालों ने सबने मिलकर इनको चुना है, सभी ग्रामीणों की इच्छा है, सभी मतदाताओं गण ने हमको सहयोग किया है कि आप जितेंद्र सिंह जी का नामांकन भरे। मैं पूर्व जनपद सदस्य हूँ, मैंने भी अपना पूरा समर्थन इनको दिया है। हम यही चाहते हैं कि इनको भारी से भारी मतों से विजय बनाएं और गांव की जो भी समस्या है गांव में रहकर, गांव में समय देकर हम वो सारी समस्याएं खत्म करें। क्या कहेंगे, कितने वोटों से जीता के ले जाएंगे? जो पिछली जीत है वो स्वयं जैसी जीत थी वैसी जीत रहेगी। पिछली बार भी मैं 1500 वोटों से जीता हुआ हूँ, इस बार भी हम चाहेंगे कि कम से कम 1500 वोट से हमारा कैंडिडेट जीते। किन किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच पहुँच रहे हैं? वैसा मुद्दे कुछ खास नहीं है, बस गाँव की छोटी मोटी सड़कें बाकी है, खेत पर जाने के कुछ रास्ते हमारे ठीक नहीं है। हमारा शिप्रा रोड जो अभी तक बना नहीं है, हम कई बार मंत्री जी को इनको भी बोल चुके हैं हमारा रोड अभी तक बना नहीं है। इन समस्याओं के कारण हमने इनको चुना है और ये कैंडिडेट हमारे योग्य भी हैं और इसी कारण से हम इनको चुनाव लड़ा रहे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम मुकेश पटेल, पूर्व जनपद सदस्य पुआवडला दाई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत, जनपद और जिला पंचायत चुनाव को लेकर पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। टाइम8 मध्य प्रदेश के लिए सांवेर से संतोष व्यास की रिपोर्ट। मैं हूँ सीमा वर्मा, टाइम8 मध्य प्रदेश से। टाइम8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।